हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं समोसे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, जिसको बोलते हैं रिंग समोसा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारी रिंग समोसे की रेसिपी। रिंग समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा, ऑल पर्पज फ्लोर लिया है। उसमें 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे और 1 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा ऐसे हाथ में मल के थोड़ा सा क्रश करके ऐसे उसमें डालेंगे ताकि उसका खुशबू उसमें अच्छे से आ जाए। और 2 चम्मच 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे और इसका एक टाइट डो बनाएंगे। समोसे बनाने के लिए हमें टाइट डो चाहिए। जैसे पूरी में टाइट डो हम बनाते हैं तो उससे और थोड़ा सा ज़्यादा टाइट समोसे के लिए बनता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे डो हमारी बन गई है और काफ़ी टाइट है, सख्त है काफ़ी हमारी डो। अब इसको कवर करके हम अलग से रख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिया था 1 कप पानी, थोड़ा सा पानी बच गया है तो 3/4 कप पानी हमारा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमने लिया है बॉइल्ड आलू, जिसको हम स्मैश कर लेंगे। पूरा पेस्ट जैसा नहीं उसको बनाएंगे हम, थोड़ा सा दरदरा उसको रखेंगे, कोर्स करके रखेंगे आलू को, पूरा पेस्ट नहीं करेंगे। देखिए इसी तरह पूरा पेस्ट नहीं हुआ है, हल्का दरदरा सा है आलू हमारी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, फिर डालेंगे हम राई या फिर सरसों के दाने 1/2 टेबलस्पून। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम डालेंगे ग्रेटेड अदरक 1 टेबलस्पून, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। सबको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे मटर, ये फ्रोजन मटर है तो इसको ज़्यादा देर तक भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। अगर फ्रेश मटर हो तो आप तो 2-4 मिनट के लिए इसको हम कवर करके पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे क्रश किया हुआ आलू, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम लाल मिर्च के पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे धनिया पत्ता। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर हम डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून करीब धनिया पाउडर डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आलू तैयार होने के बाद हमारी डो जो रखा हुआ था कवर करके, हम उसको ले लेंगे और 2 मिनट के लिए थोड़ा सा उसको हम गूंद लेंगे। और गूंदने के बाद हम उससे एक पोर्शन निकाल लेंगे और देखिए हाथ से ऐसे गोल करके उससे चिपटा कर लेंगे, फिर हम उसको बेलेंगे। इस मैदे की लोई को हम स्क्वायर शेप में बेलने की कोशिश करेंगे। इसी तरह चारों तरफ से हम इसको स्क्वायर शेप देने की कोशिश करेंगे, पूरा पतला करके इसको बेलना है। तो हमने यहाँ पे पूरा बेल लिया है इसको स्क्वायर शेप में। अब इसमें डालेंगे हम जो बनाए थे आलू, उसको स्टफिंग भरेंगे इसमें। इस तरह आलू को एक साइड में रख के पूरा लंबा कर देंगे
और धीरे से हमारी जो रोटी को ऐसे उठा के आलू को उसके राउंड करके इसे कवर कर लेंगे और दोनों साइड से जो बची हुई रोटी के टुकड़े हैं उसको काट के हम अलग से रख देंगे। और एक चाकू की मदद से देखिए हम किस तरह काट रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच खींच के हम कट लगा लेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा कट लगाएंगे, बस ऊपर से थोड़ा सा हम पोर्शन लंबाई में छोड़ देंगे। अब देख रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के मैंने कट लगाया है। अब इसको रोल को हम धीरे धीरे करके ऊपर उठा के ऐसे रोल कर लेंगे कट के ऊपर। देखिए बिल्कुल राउंड शेप में हो गया, इसको ऐसे मोड़ दिया हमने और दोनों तरफ से जो खाली है उसको हम मैदे के घोल से जोड़ेंगे। ये हमने थोड़े से मैदा लेके उसका घोल बनाया है, घोल थोड़ा सा गाढ़ा बनाइएगा ताकि हम इस दोनों साइड में इस तरह लगा के इसको चिपकाने में हमें आसानी हो। देखिए इस तरह इसको चिपका देंगे दोनों साइड को, और जो हमने काट के रखा हुआ था साइड से छोटे छोटे टुकड़े अब इसको हम इस तरह लपेट देंगे ताकि वो अच्छे से हमारी रिंग जो है बन जाए और हम जब इसको फ्राई करेंगे तब ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। देखिए कितनी अच्छे से रिंग शेप में हमारी समोसे बनके तैयार हो गई है। इसी तरह बाकी के समोसे भी हम बना लेंगे और एक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी इस तरह आलू की स्टफिंग भर देंगे इसे लंबा करके, फिर इसको रोटी को उठा के हम आलू को पूरा कवर कर लेंगे, फिर हम कट लगाएंगे, फिर धीरे धीरे इस तरह हम रोल कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि समोसा खुल सकता है तो ऊपर की साइड में थोड़ा सा ऐसे मैदा को घोल लगा के आप इसको अच्छे से चिपका सकते हैं। देखिए इस तरह ऐसे दोनों साइड में हम मैदा का घोल लगा के इसको चिपकाएंगे और इस टुकड़े को चारों तरफ ऐसे घुमा के राउंड करके इसको ऊपर भी हम चिपका देंगे। देखिए ये भी हमारी बहुत अच्छी शेप में बन गई है। तो सारे समोसे हमने इसी तरह तैयार कर लिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल गर्म हुआ कि नहीं थोड़ा सा चेक करने के लिए छोटा सा टुकड़ा डाल के हम चेक कर लेंगे। और समोसे के लिए हमें बिल्कुल गर्म तेल नहीं चाहिए, एकदम हल्का सा गुनगुना सा गर्म हुआ होगा तभी हम समोसे डाल देंगे। थोड़ा टाइम लगता है ये बनने में लेकिन जब बन के तैयार हो जाएगी एकदम कुरकुरे समोसे तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। इसको पलट देंगे हम, देखिए हल्का सा हुआ है, नीचे की तरफ से पक गया है हल्का सा। अब हमारे समोसे के कलर धीरे धीरे आ चुकी है, समोसा हमारी पक चुकी है। दोनों साइड से देखिए बहुत अच्छे कलर आ चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट समोसे की कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो बाकी के समोसे भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे।
ये भी समोसे हमारे बन गए हैं लगभग। तो हमारी क्रिस्पी और टेस्टी समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसको सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या फिर मेयोनीज के साथ, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसकी पैटर्न देखिए कितना सुंदर है। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से आलू सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। दोस्तों ये रिंग समोसे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब ये बन के तैयार होती है तो खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे आप। तो आप ये वाले समोसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट्स भेजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। निशी स्कूल ब्लॉग्स को आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी अब फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।